लोग के सिस्टम में तो कि भाग का उदय हुआ उस वक्त एक ऐसे राजा का जन्म हुआ। मैं माननीय आदित्यनाथ जी जो कि अपने आप को क्षत्रिय और हिंदुत्व का रक्षक बोलते हैं, मैं सुमन सिंह राय बरेली, मैं भी क्षत्रिय हूँ और मैं मेरी दिलेरी देखो, ये छत्राणी शिक्षा मित्र है और शिक्षा मित्र को दिखाने आता है कि बीजेपी सरकार और ये क्षत्रिय माननीय जो अपने आप को लगाते हैं हिंदुत्व के रक्षक, आज एक अबला की, आज एक शिक्षा मित्र बहनों की इज्जत की रक्षा नहीं कर पाए, जो हमेशा सौभाग्यवती स्त्री का आशीर्वाद देते हैं और हिंदुत्व की रक्षा के लिए कहते हैं, आज इन्होंने मुगल शासन से ज्यादा अंग्रेजों से ज्यादा अत्याचार किया है, किसी अंग्रेज शासक ने, किसी अंग्रेज ने ये नहीं कभी किया था कि हिंदुओं की पत्नियों औरतों का सुहागन होते हुए भी वो बाल मुड़वाए, जो इस शासन में हुआ है, केंद्र में, राज्य में बीजेपी की सरकार है, देख लो कितना हाहाकार मचाई है इस सरकार ने कि शिक्षक, आज शिक्षक और महिलाएं जो आज अपने सुहाग के रहते हुए अपने केशों का परित्याग करके और अपने भाइयों को, बहनों को जो कि देवलोक को प्राप्त कर चुके हैं, मृत सैया पे जा चुके हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रही है। ये मैं ललकार के कहती हूँ, अगर आप में अभी भी क्षत्रिय का खून है माननीय योगी आदित्यनाथ जी, अगर आप अपने आप को महंत कहते हैं या तो आप अपने नाम के आगे से योगी लगाना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपने आपके अपने राज्य में आपने किसी भी क्षत्रिय की रक्षा नहीं की, ना आपने हिंदुत्व की रक्षा की है। मैं आपको बोलती हूँ, आपके सामने अगर गट्स है, मेरे में गट्स है, इसीलिए मैं मीडिया के सामने बैठ के अपने केशों का परित्याग कर रही हूँ। मैं शिक्षक हूँ, मैं बनाना भी जानती हूँ भविष्य को, तो बिगाड़ना भी जानती हूँ, और उसका चैलेंज मैंने किया है, एक्सेप्ट किया है कि आज अगर मैं अपने केशों का, जो कि महिलाओं के लिए सबसे प्यारा होता है, और यहाँ से घर जाने के बाद हमें हजारों सवालों का जवाब देना पड़ेगा, हमें हजारों समाज को इसी बनाए हुए ढकोसलों को हजारों जवाब देना पड़ेगा कि अपने केशों का परित्याग क्यों करके आए। एक शब्द रहेगा, योगी आदित्यनाथ जी से पूछिए, मोदी से पूछिए, फेकू बाबा से पूछिए, पूछिए उनसे जो हिंदुत्व की रक्षा करते हैं लेकिन आपकी इस बहन की, बेटी की, बहू की रक्षा नहीं कर पाए, उन्होंने हमको जीते जी मार डाला। और बहनों, रोने की जरूरत नहीं है, जहां स्वाभिमान मरा था एक साल पहले 25 जुलाई को, आज अगर हमारे केशु का परित्याग होता है तो इस एक एक केशुओं की कसम हम इनको नस्ते नाबूद कर देंगे। मीडिया से हम सामने कहते हैं कि बीजेपी की सरकार वो छल से आए, दम से आए, कैसे भी आए, लेकिन इनके किसी भी नियम को हम फॉलो नहीं करेंगे, चाहे वो मूल विद्यालय जाने वाले नियम हो, चाहे कोई भी नियम हो। जब ये हमारी इच्छा नहीं पूरी कर सके, हमारी मांगों को, जायज मांगों को नहीं पूरा कर सके, तो हम भी इनके किसी भी, ये और इससे ज्यादा क्या करेगी, इससे ज्यादा अपमान क्या करेगी, मौत दे देगी। हम मौत में लड़ने मरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इससे ज्यादा कोई नहीं मरेगा, और अगर अपने यहाँ अभी भी हमारे स्वाभिमान जिंदा है तो वो हमारा आत्मविश्वास है, वो हमारा आत्मविश्वास है कि हम जिंदा हैं। अब हम इस सरकार को मार के देखेंगे कि ये सरकार कैसे मुड़ती है। एक चाणक्य ने अपने बाल मुड़वाए थे नंदवंश के कारण, नंदवंश ने अपमान किया था, धनानंद ने उनका अपमान किया था, और वो शिक्षक थे, और उन्होंने अपने पूरे केशों का परित्याग करके बस एक चुड़की छोड़ दी थी। हम ये महिला शिक्षा मित्र यही कहते हैं, हमने 17 साल तक स्कूलों में शिक्षा दी है, हम भी शिक्षक हैं और हम एक महिला शिक्षक हैं, हम भी कहते हैं कि जब एक चाणक्य ने समूल नाश कर दिया नंदवंश का, तो यहाँ पर जितनी महिला शिक्षा मित्र है, 172,000 जो शिक्षा मित्र भाई बहन है, वो इसको कहाँ तक ले जाएगी। और ये योगी सरकार सुन ले, मोदी सरकार सुन ले कि भाजपा का इतिहास रहा है, एक बार आने के बाद 30 साल तक लुप्त हुई है, और इस बार अगर गए तो दोबारा नहीं आएगी। ये चैलेंज है हमारा, क्योंकि हमने शुरू से पढ़ा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाए, एक छत्राणी आपको ललकारती है योगी आदित्यनाथ जी, लेकिन आपने वोट के लिए, अरे वोट के लिए आपने, एक भिखारी आपसे अच्छा होता है जो मांगता है, एक वेश्या आपसे अच्छी होती है जो डंके की चोट पे अपने शरीर को बेच के कहती है पैसा रख के जाओ, और आपसे अच्छा वो भिखारी होता है जो कटेरा लेके और सड़क पे भीख मांगता है, कहता है कि इसमें दे दो बाबूजी, आप वोट बैंक के लिए आपने इतना गिर गए आप कि आपने कोर्ट के नियमों का उल्लंघन किया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करके आपने बीएड को प्राथमिक विद्यालय में देने के लिए एक कानून बना दिया, नहीं तो आज जिस तरह हमने अपने
देशों का परित्याग किया है, इतिहास गवाह हो जाएगा। यहीं पर हम अपने अपनी इस शरीर का त्याग करेंगे और आप देखते रह जाएंगे ये यूको गार्डन गार्डन होते हुए एक पार्किंग हॉल होते हुए ये बंद लाशों का शमशान का ढेर बन जाएगा। नादो! 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 नादो!